आपको उत्तर देना होगा और सही उत्तर देना होगा, अन्यथा हम आपका ये सारा राशन ले लेंगे और आपको एक पूरे माह तक भूखा रहना पड़ेगा। उचित है महाराज, मुझे चुनौती स्वीकार है, किंतु यदि मैं विजयी रहा तो आप भी मुझे वो देंगे जो मैं चाहूंगा। हमें स्वीकार है पंडित रामकृष्ण। सच्ची मुच्ची का वचन महाराज, मैं जो कहूंगा आप मुझे देंगे। पंडित रामकृष्ण, हमने कहा हमें स्वीकार है। भारी रूप पर मत जाओ रामा, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे मन के भीतर क्या है, ना कि हमारा बाहरी व्यक्तित्व कैसा है। महाराज, इनमें अंतर बताने के लिए मुझे तीन तार चाहिए। तार का क्या करोगे पंडित रामकृष्णा? इन तीनों गुड़ियों को सूली पर चढ़ाओगे। मंत्रीवर, जो आज्ञा महाराज। पंडित रामकृष्ण, महाराज अंतर इनके बाह्य रूप में नहीं, इनके आंतरिक गुणों में है। हम मनुष्यों की भांति। पंडित रामकृष्ण, हम कुछ समझे नहीं, बात को स्पष्ट कीजिए। महाराज, इन तीनों गुड़ियों के कान में एक छोटा सा छिद्र है। ये देखिए महाराज, इस पहली गुड़िया के कान से जाता हुआ तार इसके मुंह से बाहर निकल रहा है। इस दूसरी वाली गुड़िया के कान से जाता हुआ तार इसके दूसरे कान से बाहर निकल रहा है महाराज। किंतु इस तीसरी वाली गुड़िया के कान से जाता हुआ तार इसके हृदय तक पहुंचकर बाहर ही नहीं निकल रहा। क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्णा? हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। गुरुजी, आप तो रहने ही दीजिए, ये सब समझना आपके वश की बात नहीं है। पंडित रामकृष्णा, हम अभी भी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, आप विस्तार से समझाएंगे? जी महाराज। महाराज, ये पहली गुड़िया उन लोगों का प्रतीक है जो कोई भी रहस्य अपने मन में दबाकर नहीं रख पाते। निम्न प्रवृत्ति के लोग जो भी कान से सुना सब कुछ मुंह से कह दिया। महाराज, ये दूसरी गुड़िया उन लोगों का प्रतीक है जिन पर किसी भी बात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। मध्यम प्रवृत्ति के लोग जो भी एक कान से सुना दूसरे से बाहर निकाल दिया। और ये तीसरी गुड़िया उन लोगों का प्रतीक है जो हृदय से भले होते हैं, जो कोई भी रहस्य कोई भी भेद जीवन भर अपने हृदय में संभाल कर रख सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। परंतु पंडित रामकृष्ण, इसका एक और अर्थ भी तो हो सकता है। वो क्या महाराज? ये जो पहली गुड़िया है वो बुद्धिमान लोगों को दर्शाती है, जो औरों की बातें सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो ज्ञान सभी के साथ बांटते भी। जो सुनते हैं वो अपने मुख से अपने वाणी द्वारा वो औरों के साथ बांटते हैं। दूसरी जो गुड़िया है वो साधारण वर्ग के लोगों को दर्शाती है, जो आधी बात सुनते हैं आधी बात समझते हैं, और जो उनकी आधी अधूरी समझ होती है
वही औरों में बांटते हैं। हमारे गुरुजी की तरह सत्य वचन। और ये जो तीसरी गुड़िया है वो अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले लोगों को दर्शाती है, जो बात सुनते हैं, ज्ञान रखते हैं, परंतु केवल अपने भीतर रखते हैं, उसे किसी के साथ बांटते नहीं। अद्भुत महाराज, अद्भुत। आपका दृष्टिकोण भी एकदम उचित है। ओ, तो इसका तात्पर्य ये है, जिसका जैसा दृष्टिकोण उसका वैसा वर्णन, अर्थात एक वस्तु के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। क्यों पंडित रामकृष्णा, चाहे वो शिल्प कला हो या चित्रकला। झिल्ली, आप कहना क्या चाहती हैं? जी महाराज, झिल्ली के कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी कला को देखने का हर व्यक्ति का दृष्टिकोण पृथक होता है, हर किसी की अपनी अलग व्याख्या होती है। कोई वस्तु आपको किसी तरह लगे तो वही वस्तु किसी और को कुछ और दृष्टिगत होती है। महाराज, इस समय आपकी आंखें मुझे देख रही हैं और मेरी आंखें आपको, बस दृष्टिकोण पृथक है, इसमें कुछ भी उचित या अनुचित नहीं है। अर्थात जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी व्याख्या। वाह, सत्य है महाराज। क्षमा करें, कोतवाल का भी अपना दृष्टिकोण था आपकी कला को परखने का। मानता हूं उनकी वाणी थोड़ी कठोर थी, किंतु यदि उन्हें ज्ञात होता कि वो चित्र आपने बनाया है तब तो वो उसकी झूठी प्रशंसा ही करते। और महाराज, आप अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होंगे या सत्य जानकर उस सत्य को ज्ञात करने के बाद अपनी त्रुटियों का सुधार करेंगे? पंडित रामकृष्णा, हम आपके कथन को समझ भी गए और आपने जो व्याख्या दी उसे सहमत भी है। अब आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मनी निश्चय ही एक महल मांगेगा। नहीं धनी, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मांगेंगी, देख लेना। चुप रहो मूर्खो, क्यों हमारे घाव पर नमक छिड़क रहे हो? पंडित रामकृष्णा, बताइए, नहीं संकोच बताइए, आप चाहते क्या हैं? महाराज, कोतवाल की रिहाई। कृष्ण देवराय, आपने रामा से सच्ची मुच्ची का वचन किया था, तो उसे पूर्ण कीजिए। मंत्रीवर। महाराज। कोतवाल को रिहा करके राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। धन्यवाद पंडित रामकृष्ण। वाह रामा, आनंद आ गया, हाथियों के समूह से मुक्ति मिली गई। हाँ बंधु। पंडित रामकृष्णा, आप चतुर तो हैं, परंतु इस बार झिल्ली आपसे अधिक चतुर सिद्ध हुई है। झिल्ली, आप बताइए, हम आपको क्या दे सकते हैं? मुझे क्या चाहिए? मुझे बस आप सबका प्रेम और स्नेह। एक माँ और क्या चाहती है अपने पुत्रों से? माँ। अरे आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कृष्णदेव राय ने ही तो कहा था, मैं आप सबकी बड़ी अम्मा हूँ, पदम्मा। अब मुझे जाना है। कल्याण हो। धन्यवाद पंडित रामकृष्णा, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है।
अब एक उपकार आप भी मुझ पर कीजिए कोतवाल जी। कैसा उपकार? अपने 9 बच्चों और धर्म पत्नी को मेरे घर से ले जाइए। अवश्य अवश्य। धन्यवाद। आज हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि हम एक और अद्भुत चित्र का निर्माण करेंगे। आप सभी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार हम किसी को दंडित नहीं करेंगे। सत्य कह रहे हैं? अच्छा, झिल्ली वाला सच्ची मुच्ची का वचन भी देते हैं। महाराज, परंतु मेरे पास धन है ही कहाँ। जो भी कमा कर लाता हूँ, सर्वप्रथम तुम दोनों उस पर अपना अधिकार जमा लेती हो। पता है कितने दिवस हो गए, मैंने एक नई धोती भी नहीं खरीदी है। क्या हुआ? अरे रुको, अरे एक क्या है? इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा अम्मा? अगर ये स्वप्न है तो मुझे निद्रा में रहने दो, बड़ा ही सुंदर स्वप्न है। बातें मत बना। ये स्वर्ण मुद्राएं यहाँ छुपा कर क्यों रखी है? अगर धन नहीं था तो ये आया कहाँ से? मुझे कैसे ज्ञात होगा? हरी स्वर्ण मुद्राएं नीचे गिरा दी और तुझे ज्ञात ही नहीं है, और हम है कि एक एक स्वर्ण मुद्रा का हिसाब रखते हैं। माँ, मेरे पास तो केवल एक ही स्वर्ण मुद्रा है, जो मुझे शारदा ने दी थी। महाराज तो पुरस्कार देते रहते, उन्होंने ही कोई पुरस्कार दिया होगा जिसके बारे में आपने हमें बताया नहीं। शारदा महोदया, महाराज मुझे दरबार में सबके सामने पुरस्कृत करते हैं। पूरे विजयनगर को ज्ञात हो जाता है जब भी मुझे पुरस्कार मिलता है। तो फिर ये आए कहाँ से? अरे मुझे क्या पता। चूड़े गुंडप्पे, तेरे पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई? आई नहीं लामा, मैंने बनाई है। मेरा गुंडप्पा तो स्वर्णकार बन गया है। स्वर्णकार नहीं, चोर, चोर हो गया ये। झूठ बोल रहा है अम्मा। मैं झूठ नहीं बोला, रुक दो मैं दिखाता हूँ। लोहे के गोल टुकड़े के आगे और पीछे बतिये तुनेला लंग लगाना होता है। मैंने तो बहुत ताली बनाई थी, पता नहीं कहाँ गिर गई। भगवान, अर्थात ये वास्तविक नहीं है।
कितनी हानि हो गई। हाँ अम्मा, हमने सोचा था अधिक धन से हम ढेर सारी सामग्री खरीदेंगे, परंतु अब क्या लाभ। अच्छा, आपका मासिक वेतन कब आ रहा है? वेतन छोड़, ये बता कि महाराज तुझे पुरस्कार कब देंगे। अम्मा, इतना सब कुछ तो है हमारे पास, अब और किसी वस्तु की क्या आवश्यकता है। क्या है हमारे पास, धन जितना हो कम ही होता है, और आपका वेतन कब बढ़ेगा। नहीं नहीं, वो तो सब केवल हमारे विचार तो अम्मा के है ना, है ना अम्मा। कहा था ना, कहा था अम्मा। उससे पहले तो मुझे ये बताओ कि इन स्वर्ण मुद्राओं के बारे में अम्मा से तुमने ही मेरी शिकायत की ना। तू बोल रहा है ना, हम मान जाओ। अम्मा, इतना धन होते हुए भी और अधिक धन का लोभ रखना उचित नहीं होता, धन की अति हो रही है। अति सर्वत्र वर्जये, किसी भी वस्तु का अति होना उचित नहीं होता है। तेरी मुद्रा पे खड़ा है हाथी खड़ा, बहुत उद्दंड हो चुका है तू। तेरी वजह से मुझे इतनी डांट पड़ी और इतनी मार पड़ी अम्मा की। चल, ये सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा और मुझे पोटली में भर के दे। अब मैं ऐसे अभी नगर के बाहर फेंक कर आता हूँ कुएं में। चल उठा जल्दी, ये वाली भी। इधर लामा तो लोग तो ना, मैंने कितना पलित लम दल दे तो अन मुद्राएं बनाई थी, वो तू ही मैं बैठे गया उसको लोग ना। चुप कर। नहीं, मेरी मुद्राएं। प्रणाम। प्रणाम कोतवाल जी। प्रणाम। आपको ज्ञात है महाराज ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अब पंडित रामकृष्ण, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। प्रणाम गुरुवर। हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या बात है, आज आप एकाकी ही धनी मनी नहीं आए? हाँ, वो किसी विशेष कार्य से गए हैं पंडित रामकृष्ण, और हमें भी उन्हीं की प्रतीक्षा है। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। आज एक अत्यंत विशेष अवसर, आज हमारी छोटी महारानी तिरुमलम्बा का जन्मदिवस है। छोटी महारानी जी, आपके जन्मदिवस पर हमारी आपको अनेकों अनेक शुभकामनाएं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं छोटी महारानी जी। शुभकामनाएं महारानी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और इस उपलक्ष्य पर छोटी महारानी जी आप सभी को उपहार देना चाहती है। जी महाराज। अरे रामा, कहीं महारानी के हाथों से बने मिष्ठान तो नहीं खाने होंगे? शिव 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 शिव, कितने दुर्भाग्यशाली हैं हम। हम किसी व्यंजन का सेवन नहीं कर पाएंगे, व्रत है आज हमारा। दुर्वर, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। महारानी जी। जी महाराज, आइए। ये दुर्भाग्यशाली तो ये धनी मनी है, जब भी कुछ विशेष मिलने वाला होता है दोनों अनुपस्थित रहते हैं। परंतु कोई बात नहीं, उनके भाग का भी हम ही ले लेंगे और हम ही रख लेंगे। लीजिए कोतवाल जी। धन्यवाद महारानी, हम बड़े। लीजिए गुरुवर। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है छोटी महारानी। धन्यवाद। अब छोटी महारानी जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो वो धनी मनी का उपहार भी आप हमें दे दीजिए, हम उन्हें दे देंगे। वो आज उपस्थित नहीं है, किसी विशेष कार्य से गए हैं। ये लीजिए गुरुवर। आयुष्मान। लो, आज शारदा और अम्मा तो प्रसन्न हो जाएंगे। ये लीजिए।
क्षमा करें महारानी जी, परंतु मैं ये उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। सभी लोग तो इसे स्वीकार कर रहे हैं, फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? महाराज का दिया हुआ सब कुछ तो है मेरे पास, अब और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है मुझे। हाँ, महाराज का दिया तो सब कुछ है ही महाराज, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। पंडित रामकृष्ण, छोटी महारानी जी इतने स्नेह से आपको उपहार दे रही है, स्वीकार कर लीजिए। महाराज, किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो धन ही क्यों ना हो। पंडित रामकृष्णा, आप छोटी महारानी का अनादर कर रहे हैं। हमने भी तो उपहार स्वीकार किया उनके हाथों से, आपके विशेष हैं जो मना कर रहे हैं। लगता है पंडित रामकृष्णा के पास धन की अधिकता हो गई है। नहीं गुरुवर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या कारण है पंडित रामकृष्णा कि आप ये उपहार स्वीकार नहीं कर रहे हैं? महाराज, बात तनिक व्यक्तिगत है। ऐसा क्या व्यक्तिगत है पंडित रामकृष्णा जो आप हम सबको नहीं बता सकते हैं? इतने दृष्ट हो गए हैं आप, कारण तक नहीं बता सकते हैं आप, और उस पर महारानी तिरुमलम्बा का अपमान भी कर रहे हैं आप। गुरुवर, हमारा अपमान हो गया? हो गया, कर दिया इन्होंने। महाराज, हमारा अपमान हो गया, अब हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। महारानी, महारानी चिन्ना देवी, पंडित रामकृष्ण, छोटी महारानी जी सभी के लिए कितने प्रेम से उपहार लाई थी, आपने उसे अस्वीकार करके ना केवल उनका अभी तो हमारा भी अपमान किया है। नहीं महाराज, मैं तो केवल इतना कहना चाहता था कि धन की अधिकता हानिकारक होती है। अधिकता? ये भेंट आपको धन की अधिकता प्रतीत हो रही है पंडित रामकृष्ण? वो महाराज, मेरे पास पर्याप्त धन है, मुझे अब और धन की आवश्यकता नहीं है। महाराज के धन की आवश्यकता नहीं? अहंकार आ गया है आप में पंडित रामकृष्णा, लगता है आपके पास धन की अधिकता हो गई है, घमंडी हो गए हैं महाराज जी, ऐसा प्रतीत होता है अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे हैं। नहीं गुरुवर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये घमंड नहीं तो और क्या है पंडित रामकृष्ण? आपने महारानी तिरुमलम्बा का अपमान किया जी, हमारे निवेदन को अस्वीकार किया। महाराज, आप मेरी भावनाओं को समझे नहीं। तो अब हम आपको ना समझ लग रहे हैं। लज्जा आनी चाहिए आपको पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, आपने हमारा निवेदन अस्वीकार किया, अब हम आपको आदेश देते हैं, और हमारा आदेश यह है कि आप इसी क्षण यहां से चले जाइए, आपका मुख देखना नहीं चाहते। नहीं नहीं महाराज। पंडित रामकृष्णा, आदेश है हमारा, इसका उल्लंघन करने पर आप दंड के पात्र हो सकते हैं। क्षमा करें महाराज, हमें भली भांति ज्ञात है कि पंडित रामकृष्णा उपहार लेने से मना क्यों कर रहे हैं। क्यों गुरुवर? महाराज, पंडित रामकृष्णा को अब धन की आवश्यकता नहीं, और ना ही आपके विशेष सलाहकार के पद की। आपका तात्पर्य क्या है गुरुवर, हम समझे नहीं, स्पष्ट कीजिए बात को। महाराज, ये एक ऐसा रहस्य है जो पंडित रामकृष्णा ने सबसे छुपा कर रखा है।